वही अगली बड़ी खबर, पटवारियों के हड़ताल का 10वां दिन। राजस्व सचिव ने पटवारियों को चर्चा के लिए बुलाया। 10 जुलाई को भी मंत्रालय में हुई थी चर्चा। पिछली बार राजस्व सचिव से हुई चर्चा बेनतीजा रही थी। मांगों को लेकर पटवारी कर रहे हैं हड़ताल। तो बता दें कि लगातार 10 दिनों से पटवारी की जो हड़ताल है वो जारी है। पिछली बार राजस्व सचिव से चर्चा हुई थी लेकिन वो बेनतीजा निकली। तो मांगों को लेकर लगातार पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गोपी, पटवारियों के हड़ताल का 10वां दिन है और लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपनी जो प्रमुख मांग है उसको लेकर अड़े हुए हैं। राजस्व सचिव से पटवारियों की चर्चा भी हुई लेकिन ये जो चर्चा है बेनतीजा निकली। क्या कुछ इस पर और अपडेट? संघ जो है वो अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे, और इनकी हड़ताल ने आम जनता के साथ शासन की जो चिंता है वो बढ़ा दी, क्योंकि एक और राजस्व पखवाड़ा चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाना था। लेकिन उससे पहले ठीक राजस्व विभाग के जो कर्मचारी वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, और आज उसका 10वां दिन है। बीते दिनों 10 जुलाई को भी जो राजस्व विभाग के सचिव है उनसे पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई थी। सार्थक चर्चा होने की बात पटवारी ने भी कही थी लेकिन उनकी मांग है वो पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वो अब भी हड़ताल पर बैठे हुए। और अब एक बार फिर से सचिव ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया, तो देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में किस तरह के चर्चे होते हैं, क्या आश्वासन के बाद पटवारी अपने हड़ताल से लौट जाएंगे। क्योंकि भुइया ऐप में जो गड़बड़ी है उसकी 32 बिंदुओं को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और डिजिटल रूप से जिस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संसाधन की कमी है, इसे लेकर लगातार वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, शासन के सामने रखते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर आश्वासन देकर उन्हें जो है कार्य पक्ष से जो है वो लौटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल से मई माह में भी वो हड़ताल पर बैठे थे इन्हीं मांगों को लेकर, उनकी मांग पूरी न होने पर फिर से ऐसी हड़ताल कर रहे हैं। इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही, चाहे वो आय जाति के लिए हो या और भी चाहे वो लॉजिस्टिक के लिए हो, तो तमाम तरीके से तकनीकों का सामना आम जनता को भी करना पड़ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आज की चर्चा में किस तरीके की बात निकलकर सामने आएगी, और चर्चा के बाद अब क्या पटवारी वापस लौटेंगे या फिर अनिश्चित कहीं हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल गोपी, आम जनता का तो नुकसान हो ही रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, इसके साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। चलिए गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।